हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट डी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और किसी एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी, जो है -41 इंटू 102। हमें -41 का इंटू करना है 102 में, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम 102 को ब्रेक करेंगे, मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए वो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 2, 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, जो होता है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जहाँ पर a का इंटू b प्लस सी में जब हम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो यहाँ सबसे पहले हम a क्या है, b क्या है और c क्या है ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा -41, बी हो जाएगा 100 और सी हो जाएगा 2। ए हो जाएगा -41, बी हो जाएगा 100 और सी हो जाएगा 2। अब हम LHS साइड सॉल्व करेंगे इस सेशन में और आपको RHS साइड खुद से घर पे सॉल्व करनी है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें अपनी RHS साइड को सॉल्व कर दूंगा जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -41 इंटू 100 प्लस 2। -41 का इंटू हमें 100 में करना है और फिर प्लस 2 में भी करना है। तो यहाँ पर 100 का साइन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 100 का साइन पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर -41 का इंटू सबसे पहले प्लस 100 में होगा, फिर -41 का इंटू प्लस 2 में होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे साइन का इंटू, तो माइनस इंटू प्लस होगा। सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद 41 इंटू 100 होगा। ठीक उसी तरह माइनस और प्लस यहाँ पर दोनों साइन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम प्लस साइन लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -41 और इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पर होगा -41 इंटू 2। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, उसके बाद हम करेंगे 41 का इंटू 100 में। तो यहाँ हम लिखेंगे 41 इंटू 100, फिर यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस साइन लगेगा और उसके बाद -41 इंटू 2 होगा और ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे -41 इंटू 2। अब -41 का इंटू हम 100 में करेंगे तो हमें मिलेगा -4100। इसको हम लिखेंगे -4100। अब यहाँ पर -41 और 2 ब्रैकेट में है, इसलिए इन दोनों को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो -41 का इंटू 2 में होगा तो हमें मिलेगा -82 और यहाँ प्लस साइन लगा हुआ था इसलिए यहाँ भी प्लस साइन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए सबसे पहले प्लस और माइनस आपस में इंटू होंगे, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिखेंगे -4100 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 82। अब यहाँ दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो -4100 और -82 को हम प्लस करेंगे तो वो बनेगा -4182 और यही होगा हमारा आंसर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में
कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट्स।